आपके लिए मैं ज़ेप्रोनिक्स का वायरलेस गेमिंग माउस लेके आ गया हूँ। बहुत ही बढ़िया भाई वायरलेस गेमिंग माउस है, तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो यार ये रही अनबॉक्सिंग हमारी बहुत ही बढ़िया भाई वायरलेस गेमिंग माउस की, जो आपको भाई कमाल धमाल मस्ती प्रोवाइड करने वाला है। यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और साइड में भी कुछ फीचर्स हैं। पीछे इसकी प्राइसिंग 4000 रुपये लिखी हुई है, पर भाई 4000 रुपये इसकी प्राइसिंग नहीं है, 1200-1300 रुपये है। डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक्स मिल जाएंगे, चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये मैंने अभी इसकी सील ब्रेक कर दी है, ठीक है, और अब सील ब्रेक करने के बाद अब हम अपनी देखेंगे कैसी स्पीड से बाहर निकलता है, कि गेमिंग माउस है थोड़ी स्पीड तो होनी चाहिए ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये इसकी चीज़ देखेंगे क्या है, कि इसकी कोई केबल दी हुई है, चार्जिंग के लिए केबल होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। ये यार टाइप सी नहीं है यार, टाइप सी नहीं है, माइक्रो यूएसबी केबल आपको देखने को मिलती है। ये तो भाई थोड़ा सा हैंडल है, थोड़ा इस पर ध्यान देना, ठीक है। ये इसका ब्लूटूथ डोंगल आपको देखने को मिलता है बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। और मेन चीज़ पे अब हम आते हैं, जो मेरे को बहुत ही सुंदर और बहुत ही ख़तरनाक लग रही है, आप खुद ही देख सकते हैं क्या लुक है भाई इसकी। तो मैं इसको थोड़ी टाइम यूज़ करने वाला हूँ, फिर आपको हर चीज़ बताऊँगा कैसी है इसकी क्वालिटी और कैसा है ये माउस। सबसे पहले मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो पूरा प्लास्टिक में बिल्ड है। सबसे पहले आपको बताऊँ, थोड़ा सा चीप फील होता है, आवाज सुनना, ये देखो थोड़ा सा भाई चीप है, ठीक है। ऐसे मैं इसको उछाल लूंगा तो अगर क्रिकेट बॉल की तरह, ठीक है, वैसे आपको उछालना नहीं चाहिए ज्यादा, क्रिकेट वाली फील यहां नहीं लेनी चाहिए, क्रिकेट वाली फील ग्राउंड में लेना, ठीक है। तो आपको मैं क्लियर बता दूं, तो इसमें भाई तीन फंक्शनैलिटी पहले ही देखने को मिलती है। सबसे पहले ऑन हो जाता है, जो नॉर्मल भाई होना ही चाहिए ऑन, उससे पहले, उसके बाद देखो ऑन, अगर सिर्फ ऑन होगा तो इसमें एलईडी लाइट नहीं जलेगी, अगर फिर से मैं इसको ऑन करूंगा तो फिर इसमें एलईडी लाइट फिर से जल जाएगी, और ये थोड़ी बहुत भाई चेंज भी हो सकती है। और आपको क्लियर बताओ, इसमें 7 बटन्स मिलते हैं, 1 2 3, ये 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 आपको बटन देखने को मिलते हैं बहुत ही बढ़िया फंक्शनैलिटी के साथ। इसमें भाई अगर मैं इसकी नॉर्मल इन हैंड फीलिंग की बात करूँ तो भाई मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। अगर आपको एडिटिंग के लिए भी कोई माउस चाहिए तो भाई मेरे हिसाब से ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब्रेपर जो माउस है, वायरलेस गेमिंग माउस, ये बेस्ट भाई डील रहेगी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले तो ऊपर इसका चार्जिंग पोर्ट, माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें आप आराम से भाई डांस वांस कर सकते हैं इसकी एलईडी लाइट के साथ, और आप आराम से इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी इंजॉय कर सकते हैं। इसकी भाई इन हैंड फीलिंग की बात करो तो मेरे हिसाब से बेस्ट इन हैंड फीलिंग है इसमें भाई, मतलब अंगूठा रेस्ट भी आपको दिया गया, तो आपके अंगूठे को कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। कोई भी इसको रेस्ट अगर चाहिए हो तो आप यहाँ पे रख लो आराम से, और आप आराम से भाई माउस यूज़ करो। मैं इसको एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ अडोबी प्रीमियर प्रो, और फोटोशॉप के लिए भी थोड़ा बहुत, तो उसमें भी canva.com में यूज़ करता हूँ जैसे, उसके लिए भी, तो भाई मेरे हिसाब से ये बेस्ट डील रहेगी। 1400 के आसपास आपको देखने को मिलता है ये माउस, ठीक है, वायरलेस गेमिंग माउस है तो उसके लिए मतलब बेस्ट डील है। थोड़ा सा भाई अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग में बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस है इसकी, आपको क्लियर बता दूँ। पर थोड़ा बहुत क्या होता है कि मतलब थोड़ा बहुत जो डिले होता है ना, जैसे वायरलेस है क्योंकि भाई फिर गेमिंग में थोड़ा बहुत, बहुत ही माइनर डिले थोड़ा बहुत भाई देखने को मिलता है, आपको क्लियर बता दूँ, तो एक्सपेक्टेड भी था भाई, ठीक है, क्योंकि वायरलेस है एक तो, ठीक है, ऊपर से उतना हाई क्वालिटी माउस नहीं है, आपको क्लियर बता दूं, पर 1400 रुपये के आसपास एक अच्छी डील है, 1200-1300 के आसपास अच्छी डील मिलती है। क्यों? क्योंकि भाई एक तो इसकी गेमिंग अच्छी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी एवरेज है, इसमें जो फंक्शनैलिटी है, DPI है, सब है, वो भी बहुत अच्छा है। इसमें सबसे पहले तो LED लाइट आपको देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट डील है भाई, LED लाइट आपको देखने को मिल रही है। ऊपर से इन हैंड फीलिंग भी इसकी भाई अच्छी लगी मेरे को, और ज़्यादा बहुत अगर मैं क्रिकेट बॉल वाली फीलिंग लूँ तो भाई छक्का वक्का मारने में थोड़ा बहुत बॉल की तरह यूज़ कर सकते हैं, सब बता कर रहे यार। प्लग एंड प्ले है, ठीक है, इसकी जो यूएसबी केबल है, यूएसबी जो पोर्ट है, वो आपको रेड कलर का देखने को मिलता है, तो भाई रेड मस्ती बहुत ज़्यादा छाई हुई है, रेड मिर्ची की तरह, ठीक है, इधर रेड पैटर्न पूरा दिया हुआ है, वैसे ही आप अपना यूएसबी पोर्ट लैपटॉप में, पीसी में लगा सकते हो और मजे कर सकते हो, ठीक है। तो भाई जो मैं रिव्यू वीडियो बना रहा था वो मैं अभी रोकूंगा, क्योंकि भाई ये माउस मैं आपको क्लियर बता दूं, 2-3 महीने में मेरी टेस्टिंग में ये खराब हो गया माउस, तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा माउस, और इसीलिए भाई मैं इसके गेमिंग रिव्यूज़ और ये सब चीज़ें माउस के साथ खेलते हुए मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि भाई ये रिकमेंड ही नहीं कर रहा मैं माउस। भाई मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ तो कर्सर तो आ रहा है पर वर्क नहीं कर रहा है माउस, आपको क्लियर बता दूँ, तो भाई पता नहीं है क्यों हुआ ऐसा यार, मैं सर्विस सेंटर शायद विजिट करूँ, आगे आपको अपडेट दे दूँगा। तो यार ये मैं माउस आपको रेकमेंड नहीं करता, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूले, इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो कीजिए, मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।